ईद दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे पवित्र मुस्लिम त्योहारों में से एक है। भारत और अरब देशों में लोग बड़ी ही उत्सुकता से ईद के एक दिन पहले शाम को चांद का दीदार करते हैं। कोरोना को लेकर इस बार की ईद लॉकडाउन में आज मनाई जा रही है। घरों से ही इबादत किया जा रहा है। इस बार ईद पर भी मस्जिद और ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं हो सकेगी। मोबाइल और व्हाट्सएप पर भी लोगों के बधाई देने का सिलसिला जारी है। और लॉकडाउन के बीच ईद कैसे मनाई जा रही है, रांची की तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं जमशेदपुर की तस्वीर। वहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी अन्नी अमृता, सीधे चलते हैं उनके पास। अन्नी, देखिए ये पहला मौका होगा जब लॉकडाउन के बीच ईद मनाई जा रही है। सरकार ने अपील की है, प्रशासन ने अपील की है कि अभी इबादत गाहों में जाने से, यानी अगर आप मस्जिद ना जाए, ईदगाह ना जाए, घरों पर रहें, घर पर इबादत करें, तो ये सभी के लिए सुरक्षित रहेगा। और इसलिए इस बार ईद में भी सन्नाटा बाकी पर्व त्योहार की तरह ही। बिल्कुल आरती, इसलिए मीडिया के लोग भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि जिससे कोई किसी तरह की गैदरिंग हो जाए कवरेज के नाम पर। सभी अपने अपने घरों में जो है ईद मना रहे हैं आरती। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए सामाजिक संगठन हैं, वो इस बार कुछ अलग तरह से ईद मनाएंगे। वो कोरोना वॉरियर्स जो पुलिसकर्मी हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके बीच जाएंगे, उनको लच्छा खिलाएंगे, उनको सेवैया खिलाएंगे, ऐसी कार्यक्रम की योजना बन रही है। विभिन्न इलाकों में जाएंगे वो, उसके बाद वे क्वारंटाइन सेंटरों में भी भोजन का प्रबंध करेंगे अपनी तरफ से, प्रशासन को ये मदद करेंगे। तो इस तरह से ईद जो है बिल्कुल नया रूप रंग लेकर आया है आरती। लेकिन जो मूल बात है इस्लाम धर्म की, वो यही है कि आपको सबको लेकर चलना है, गरीबों का ध्यान रखना है। तो इस बार जो है ईद पूरी तरह से इसी को समर्पित है कि जो भी सामर्थ्यवान है वो गरीबों के लिए आगे आकर मदद करे, और इसी तरह से लोग ईद मना भी रहे हैं आरती। जी बिल्कुल। और ये जो सन्नाटा है और ये जो नई पहल है अन्नी, साधारण सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए है ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। और इसलिए इस बार खास तौर पर ये कहा गया है कि अगर ईद हम घरों में मनाएं, ना तो किसी के घर जाएं और ना ही किसी को घर बुलाएं, क्योंकि जिंदगी बचाना ज्यादा अहम है। बिल्कुल आरती, और इस बार अगर ये ऐसा कर ले सभी, तो फिर अगले बार अच्छे से ईद मना पाएंगे लोग। देखिए ईद में हम लोग आमतौर पे जो कवरेज करते हैं कि लोग गले मिलते हैं एक दूसरे को, एक साथ नमाज अदा होती थी, तो एक मीडिया कर्मी के तौर पे भी हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं आरती, जो हम हर साल कवरेज करते थे। और गले मिल करके जो एक दूसरे को बधाई देना, उस वक्त जो जाति और धर्म की जो दीवारें वो टूट जाती थी, तो ये सब नज़ारे जो हम कवर करते थे, हम भी उन खबरों को मिस कर रहे हैं। लेकिन ये मिस करना जरूरी है इस साल, तो ये मिस करना अच्छा है। तो इस बार गले नहीं मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है ईद, देखिए ये जो गले मिलने की बात हो रही है अन्नी, आपको मैं टोकूंगी और ये बात जरूर पूछूंगी कि देखिए मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि भले गले मत मिलिए, लेकिन दिलों से दूरियां ना बनाए, दिल को जोड़े रखें। जो सेवा भाव, जो मदद की, मदद का हाथ जो बढ़ाया है लोगों ने, एक दूसरे के मदद के लिए एक दूसरे के हेल्प करते नजर आ रहे हैं, वो चीजें कम नहीं होनी चाहिए, भले आप गले मिले ना मिले। अब बिल्कुल आरती, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज करते हैं, ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। दरअसल हमें फिजिकल डिस्टेंस वर्ड यूज करना चाहिए। तो ये जो भौतिक तल पर जो दूरी रहे, ये हमको बरकरार रखनी है, मन में दूरी ना रहे। तो सोशल डिस्टेंस ना कहकर फिजिकल डिस्टेंस अगर हम कहें, जो कि अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड इतना प्रचलन में आ गया कि हम इस बात को कहने लगे, लेकिन इसका मतलब यही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मतलब फिजिकल डिस्टेंस में ही रहना है, लेकिन मन में दूरी नहीं बनानी है। देखिए दिलों में दूरियां बनानी है। मेरी माँ ने भी आज सेवैया बनाई है, हर साल वो ईद के मौके पर सेवई बनाती है। तो ये जो है गंगा जमुना संस्कृति है हमारे देश की आरती, हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का जो है तीज त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। चलिए, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहेगी, सदियों से चलती आ रही है हिंदुस्तान में, और ये आगे भी न जाने कितने सदियों तक चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ की यही खासियत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अन्य अमृता। तो जमशेदपुर में भी देखिए बिल्कुल इसी तरह का माहौल जैसे रांची में, ईदगाह और मस्जिदों में लोग नहीं जा रहे, लोग घरों में इबादत कर रहे हैं, वैसे ही जमशेदपुर में भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया है और लोग अपने घरों में ही रहकर ईद मना रहे हैं।